दिल्ली में मास्क ना पहनने पर 2000 का जुर्माना लग रहा है। आपके प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। उसके पास 10 रुपए होने चाहिए मास्क खरीदने के, ये प्रावधान है। 10 रुपए की गारंटी में आप 2000 रुपए के चलान से बचेंगे जी। यही तरीका है। चलान का जो बेसिक नियम है वो ये है कि ये डिटरेंट होता है सजा के डर से। मेरे को ही बहुत 2000 रुपए का डर है, देखो मैं मास्क हाथ में लेके घूम रहा हूँ, है ना। तो ये डिटरेंट तो होता है। देखिए 2000 रुपए का, 2000 रुपए बहुत होते हैं। कोई भी आदमी एक बार देगा तो कम से कम 3 हफ्ते तक सारे रिश्तेदारों को बताएगा कि मेरा इन्होंने चलान काट दिया 2000 रुपए का, और उसके रिश्तेदार भी फिर ये पहनेंगे। तो अपनी मतलब की जिंदगी बचाने वाली चीज है, सबके लिए है। और इसके अंदर सरकार को पैसे का कोई लोभ नहीं, सिर्फ ये है कि लोग इसको चलान के डर से लोग मास्क पहने। दिल्ली हाईकोर्ट के पास तो एक बड़ी दिलचस्प पोजिशन है कि वो अपनी बात कह सकते हैं। कोर्ट और सरकार में ये फर्क है, बना के एक स्टेट को या एक राज्य को रन करना पड़ता है। भाजपा के और कांग्रेस के हमारे दोस्त एक हफ्ते से शोर मचा रहे हैं कि साहब देर कर दी आपने, अब जागे हो आप, अब जागे हो आप। अगर 10 दिन पहले दिवाली को रोक देते और कह देते कोई शॉपिंग नहीं होगी, कोई बाजार नहीं जाएगा, कोई दिवाली नहीं मनेगी, तो यही लोग सड़कों पर उतर के कह रहे होते कि केजरीवाल साहब तो बड़े दुष्ट हैं, ये तो लोगों को दिवाली भी नहीं मनाने दे रहे, ये हमारे बच्चों को दिए भी नहीं जलाने देंगे। और अब दिवाली ठीक ठाक मन गई तो कह रहे हैं साहब आपने पहले क्यों नहीं किया, ठीक है। छठ पूजा के ऊपर रोक लगा दी तो वही कांग्रेस बीजेपी वाले लोग उसी डिबेट पे 5 मिनट पहले कहते हैं कि पहले क्यों नहीं किया तुमने कुछ, और उसी डिबेट पे उसी एंकर के सामने 5 मिनट बाद कहते हैं छठ पूजा पे रोक लगा दी तुमने, तुम तो बहुत दुष्ट हो। तो ये दोहरे मापदंड को सहकर इसको बैलेंस करना सरकार का काम है। अगर जिस